मटाखेल कबाइल के दो खानदानों के हाथ कोई औलाद नहीं थी। औलाद की चाहत में पीरों फकीरों से औलाद के लिए दुआएं मांगी। आखिरकार एक बुजुर्ग हस्ती की दुआओं की बदौलत उनकी मुरादें पर आईं। हसन खान के यहां बेटे का जन्म होता है जिसका नाम आदम खान, और दूसरे खानदान यानी ताऊस खान के घर बेटी का जन्म होता है जिसका नाम दुर्खानी रखा गया। आदम खान जब जवान हुआ तो उसकी वजह शौहरत रबाब बजाना बना। एक दिन रबाब की सुरीली आवाज सुनकर दुर्खानी भी उसके पास पहुंच जाती है। दिल के तार छिड़ते सुना था, रूह के तारों को तलातों में मुब्तला करके क्यों हैरत ज़दा हो गए। अक्से आदम जब सहूर पसीर होता है तो हैरत भी खामोशी का लिबादा ओढ़कर दम बखुद हो जाती है। अब तो हिजाब का कोई ख्याल ना रहा। वसले महबूब कहीं मुझको मुझसे फरार पर आमादा ना कर ले। एक तरफ आदम खान की शादी उसके वालिदैन ने जबरदस्ती एक रिवायती लड़की से करा दी, तो दूसरी तरफ दुर्खानी की शादी भी दूसरे जवान से करा कर उसके अरमानों का गला घोंप दिया गया। कोई भी मेरी दस्तरस में नहीं। अगर खान आदम खान कैदोबंद में है तो दुर्खानी भी रवायती कैदोबंद में सोबतें झेल रही है। ऐ खुदा, मुझे दो दिलों के इन पैगामात को पहुंचाने की तौफीक अता फरमा, वरना मैं खुद को कभी नहीं बख्शा सकती। नहीं, कभी नहीं। इन वाकयात के बाद आदम खान बगावत पर उतर आया और दुर्खानी के लिए लड़ते लड़ते मारा गया। आदम खान की मौत की खबर दुर्खानी ने सुन ली तो वो बजिद हो गई और अपने ही खावंद के साथ आदम खान के कब्र पर हाजिरी दी। आदम खान कब्र तराग्लम, आदम खान कब्र तराग्लम, मा दुर्खानी
कैसे कोई जा सकता है। जाते जाते एक बार मुड़कर तो देखते, हाथों में हाथ ना सही, दिल तो हमदम और हमकदम थे।